हाय गाइस, महाराष्ट्र लॉ सीटी 5 ईयर्स को लेकर के एग्जाम की डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो गई है। पहले 17 थी, फिर 18 की, अब आ गया 22nd पे। 22nd ऑफ मई को आपका एग्ज़ाम होगा, तो दो चार दिन आपको और मिल गए हैं। सो जितने लोग की पढ़ाई में थोड़ा बहुत गैप था या थोड़ा बहुत चीज़ें पेंडिंग है, आपको भाई 4 दिन का टाइम मिला एक्स्ट्रा, प्रिपेयर करो। और जितने लोग का प्रिपरेशन हो गया, दे आर वेटिंग कि भाई एग्ज़ाम ख़त्म हो फटाफट, सो दैट आई कैन राइट दी एग्जाम वेरी वेल और अच्छा स्कोर में लेके आऊँ। तो अभी डेट 22nd की दी हुई है भाई। इलेक्शन जो है अराउंड 20 के आसपास खत्म हो रहा है, तो आई थिंक इसके लिए उन्होंने डेट एक्सटेंड की है, दैट कुड बी द वन रीज़न। ठीक है, सो जो अभी इन्होंने सर्कुलर रिलीज़ किया था डेट को लेकर के, आई थिंक ऑन 8th को दे हैव रिलीज, या दिस इज द सर्कुलर, 5 ईयर सीईटी 22nd में वेडनेसडे को। आइडली सैटरडे संडे एग्जाम होता है, बट इस बार वेडनेसडे है, चलो कोई नहीं। तो 22nd को अपना एग्ज़ाम है। अब ये डेट और एक्सटेंड नहीं होगी भाई, तो ये डेट पकड़ के चलो और फुल फ्लेज में आई एम श्योर सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है, सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा? एग्ज़ाम के एक वीक पहले आप एडमिट कार्ड पकड़ के चलो। तो आपका एग्ज़ाम है 22nd मई को, एक हफ्ता पहले मतलब 15 तारीख के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ 15 मतलब वेडनेसडे, तो 15 तारीख के आसपास आप पकड़ के चलो ओके एडमिट कार्ड को लेके। सो टुडे इज़ व्हाट 10th, 5 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड आना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली सी योर लोकेशन, जो भी आपका लोकेशन वगैरह है, एंड अकॉर्डिंगली राइट द एग्ज़ाम। जो भी एग्ज़ाम का टाइम आपके एडमिट कार्ड पे आएगा, 3-4 मॉक बचा के रखना, 5 मॉक बचा के रखना, उनको मेरा सजेशन ये है, तो वही टाइम स्लॉट पे आप नेक्स्ट रिमेनिंग मॉक लिखना, सो दैट जिस दिन आपका एग्ज़ाम है आपका बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगा उस दिन कि हाँ भाई चलो अभी ये मॉक लिखने का टाइम हो गया। वो मतलब आप रोज़ मॉक उसी टाइम पे लिखते थे, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप मॉक लिख रहे हो तो बॉडी कंफर्टेबल रहेगा, तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, सो ऐसे ऐसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, लोगों का टेंशन प्रेशर पैनिकनेस में भी बढ़ेगा, तो भाई मेरा सजेशन यही है कि बूस्ट योर सेल्फ, चार्ज योर सेल्फ, मोटिवेटेड रहो नेक्स्ट रिमेनिंग डेज। ठीक है, एंड चार्ज योर बैटरी। लास्ट मोमेंट पे अगर आपने प्रिपरेशन चालू की है, जितना बनता है उतना प्रिपरेशन करो। 15 डेज का प्लान वाला भी मैंने वीडियो पोस्ट किया भाई, काइंडली गो एंड चेक दैट टाइम टेबल। बट पैनिक होके प्रेशर में आके पढ़ाई बिल्कुल मत करना, ये मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन हैम्पर होगी। अभी तक आपने जितने भी पढ़ाई की है, प्रिपरेशन की है, वो अल्टीमेटली हैम्पर होगा अगर आप पैनिक होकर के प्रेशर में आके प्रिपरेशन करते हो बाकी के। ठीक है, एग्जाम की डेट 2-4 दिन ऊपर मिली है हमें, तो उसको हम यूज़ करेंगे, और जितना आपसे बन सकता है, जितना आप कर सकते हो, उतने टॉपिक आपको पढ़ो। जो मैंने टाइम टेबल दिया 15 दिन का, उसने सारे टॉपिक जितने आप वीडियो देख सकते हो मेन्यूअर के डैशबोर्ड से, फुल कोर्स के अंदर पूरे वीडियोस हैं, तो वो आप देख के ख़त्म करो। और मॉक आपको डेली लिखना है, एक मॉक आपको डेली का लिखना। मैंने तो एक सुबह में और एक शाम को मेरा अब एडवाइस है, क्योंकि 20 मॉक आपके डैशबोर्ड पे मेन्यूअर के, वो आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपका जो मेन्यूअर का डैशबोर्ड है, वहाँ पे एक तो 20 फुल लेंथ मॉक का प्रोग्राम है, उसमें से जितने मॉक लिख सकते हो लिख देना, और अगर बाकी नहीं लिख पा रहे तो लीगल और जीके के सेक्शन एटलीस्ट देख लेना, बिकॉज वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा 1500 क्वेश्चन का जीके को लेकर के वी हैव लॉन्च मॉक दिस ईयर, यहाँ से जो हाईली या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आप बोल सकते हो, तो ये करके जाना। और अगर आपने फुल कोर्स लिया हुआ है, तो इसके अंदर आपके मॉक भी है, वीडियोज़ भी है, तो वीडियोस को आप 2-3 बार देख सकते हो, तो पूरी पढ़ाई, पूरे सेक्शन की पढ़ाई भी आपकी हो जाएगी। लॉजिक हो गया, लीगल हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, तो एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है, तो जीके को लेके 6 मंथ का करंट अफेयर्स एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर बनता है तो 15 अप्रैल तक का डेटा आप देख लो, उसके बाद तो पेपर बन चुका होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई सेक्शन वीक लग रहा है, मेरा यार मुझे लीगल गो थ्रू करना, मुझे लॉजिक गो थ्रू करना, मुझे जीके देखना है, तो यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल प्रोग्राम। ठीक है, सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक डिस्क्रिप्शन। सो नेक्स्ट रिमेनिंग डेज जो है, फुल फ्लेज में लग जाओ, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना चालू कर दो। अगर आपको GLC में एडमिशन लेना है, GLC मुंबई में, ILS पुणे में, या प्रवीण गांधी कॉलेज, या रिजवी, या तो फिरोदिया लॉ कॉलेज जो पुणे में है, ये आपके top 5 कॉलेजेस हैं लॉ को लेकर के। ठीक है, ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोगों को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। प्रिपेयर वेरी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।